हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कि नए छत में यानी कि प्लास्टर नहीं किया हुआ है उसमें हम पीओपी प्लास्टर करके डिजाइन कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में अगर पीओपी का काम कराना चाह रहे हैं, सीलिंग का काम कराना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यानी कि नॉलेज वाली यानी कि हेल्पफुल होने वाली है। तो क्योंकि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि आपके घर में जरूर अप्लाई करना चाहिए, ये चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी जो अपने घर का सीलिंग का लाभ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और पैसे की काफ़ी बचत होती है और सुंदरता भी जो है काफ़ी बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो छत है, जो हमारा ये प्लेन छत है और इसमें प्लास्टर नहीं किया गया है, ये प्लाई वाला छत है, तो इसे प्लेन छत में डायरेक्ट हम पीओपी जो होती है, पीओपी लगाने के बाद फिर उससे सीलिंग का काम यानी कि स्टार्ट किया जाता है। फिर यानी कि बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है कि इस डायरेक्ट प्लेन छत में सीलिंग में आप जब पीओपी का काम करते हैं तो पीओपी बाद में क्या होता है कि वहाँ से पपड़ी बनके गिरने लगता है। इसलिए लोग छत में क्या करते हैं कि छत को डायरेक्ट ग्राइंडर से या फिर छेनी हथौड़े से उसको रफ बनाया जाता है या फिर टकाई लगाते हैं, जैसे कि सरफेस को रफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कुल्हाड़ी से जो है हम टकाई लगा रहे हैं, हमारा छेनी हथौड़ा सब नहीं करा रहे। इससे क्या होगा कि हमारी पीओपी जो होगी उसकी पकड़ जो है अच्छी तरह रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये है सकंडी का बॉन्ड प्लस आता है, ठीक है। ये बॉन्ड प्लस की बाल्टी जो आती है दोस्तों, ये 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर सभी फेक में यानी कि दुकान में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों, ये बॉन्ड प्लस जो होता क्या है, तो दोस्तों ये बॉन्ड प्लस होता है एक तरह का केमिकल होता है, क्योंकि इससे जिसमें भी आपको आगे यानी कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस वीडियो में मैं छत में लगा के जो कि देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का होता है। इससे आपको यानी कि दाने दाने जैसी चीज़ मिलती है, मोरम जैसा होता है, बालू की तरह होता है, बिल्कुल रफ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हम प्लेन छत में लगाते हैं तो वहाँ से दाने दाने वाली चीज़ जो जाके छत में जो है चिपक जाता है। इससे अच्छी तरह से यानी आपको घोल घोल लेना है बाल्टी को, और इसमें बाद में बर्श द्वारा अपने छत में लगा लेना है। जैसे पेंट हम करते हैं ना, पेंट की तरह ही आपको इसको घोल लेना है और उसको अच्छी तरह से यानी आपको छत में पेंट की तरह कर देना है। फिर उसको सूखने के बाद अगले दिन यानी कि अगले दिन पीओपी प्लास्टर या फिर पीओपी डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता होगा कि पीओपी आपका जो है ज़्यादा दिन तक यानी कि चलेगा, पपड़ी बनके नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, अगर कोई और नया जानकारी चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे दिल्ली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखते रहें। Thank you.